अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माय उस्ताद जी चैनल। तो आज फिर मैं कंप्यूटर स्टडी की एक न्यू क्लास लेके आ गया हूं। तो आइए स्टार्ट कर। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी 10th क्लास की फर्स्ट क्लास है। मतलब क्या कि आज जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं वो 10th क्लास का है। लेकिन मैं यहाँ पर 10th क्लास का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास 10th क्लास है, इस दफ़ा 9th और 10th क्लास दोनों के कंप्यूटर स्टडी की बुक चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसलिए अब हम क्या पढ़ने लगे हैं, सी लैंग्वेज। जो हमारे पास ओल्ड बुक थी, ओल्ड बुक के अंदर स्टूडेंट्स बी लैंग्वेज थी, लेकिन इस ईयर्स के अंदर, इस साल के अंदर क्या हो गया है कि बुक चेंज हो गया है। तो इसलिए जो हमारे पास अब न्यू बुक है उसके अंदर उन्होंने सी लैंग्वेज को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, आज हमने इस ये जो मैंने सर्कल किया है, आज हमारी इस रिलेटेड क्लास होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, 10th क्लास, ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। यानी कि इस पूरे के पूरे चैप्टर्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आज हमने उसको डिस्कस करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे क्या, व्हाट इज़ प्रोग्राम, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ प्रोग्रामर, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज़ कंपाइलर, व्हाट इज़ इंटरप्रेटर, व्हाट इज़ आईडी। तो वो हमारे पास कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनके ऊपर ये जो हमारी सी लैंग्वेज है ये रन की जाएगी, ये कंपाइल की जाएगी। ये सारी बातें हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। व्हाट इज वेरिएबल, रोल्स ऑफ वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, व्हाट इज वेरिएबल डिक्लेराइजेशन, ठीक है, व्हाट इज गार्बेज वैल्यू, व्हाट इज डमी वैल्यू, ठीक है, व्हाट इज कॉन्स्टेंट, टाइप्स ऑफ द कॉन्स्टेंट्स। ये सारी बातें क्या है कि स्टूडेंट्स हमने इस इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के चैप्टर्स के अंदर पढ़नी है। ये हमारे पास कंप्यूटर के 10th क्लास हम पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ये हमने सारी की सारी इस किस्म की बातें हमने स्टूडेंट्स इस चैप्टर्स के अंदर पढ़नी है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स के जो हमारे पास आज की क्लास है, यानी कि आज की क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हमने किस किस को डिस्कस करना है, तो वो हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिकली हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं। क्या होती हैं, क्या हो सकती है, हमारे पास एक भी इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं स्टूडेंट्स, एक से ज़्यादा भी इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। तो जब हमारे पास क्या है, एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी कि इसमें क्या है, दो या दो से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शन हम किसको बोलते हैं, हदायात को, यानी कि मालूमात को। ठीक है, तो पास एक तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो क्या है कि कंप्यूटर को दी जाती हैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम बोलते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम इज आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यानी कि स्टूडेंट जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है इसको क्या है कि हम लोग प्रोग्राम भी बोलते हैं, प्रोग्राम को हम लोग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यानी कि एक कंप्यूटर को जो सॉफ्टवेयर है ये क्या है, इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने इस काम को करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो ये क्या है कि और मतलब सॉफ्टवेयर की एक नीचे भी डेफिनेशंस है। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या आता है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच जो के टेल्स बताती है द कंप्यूटर को व्हाट टू डू। यानी कि सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होती है, ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो क्या है कि कंप्यूटर को बताती हैं कि अब आपने क्या काम करना है और उसको किस तरह करना है। इसको भी हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, बेसिकली सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपको सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। नीचे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आता है, व्हाट इज प्रोग्रामर, कि हमारे पास प्रोग्रामर क्या होता है। प्रोग्रामर स्टूडेंट्स हम एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो क्या है कि कंप्यूटर का प्रोग्राम को डेवलपड करता है, जो क्या है कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर बोलते हैं। अ पर्सन, एक शख्स हु जो डिवेल बनाता है अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर। यानी कि स्टूडेंट्स ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर बोलते
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास क्या होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, जो क्या है कि हम लोग जब एक प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो उस प्रोग्राम के लिखने के अंदर हमने जितने भी वर्ड इस्तेमाल किए हैं, जितने भी सिंबल इस्तेमाल किए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। अ सेट ऑफ वर्ड एंड सिंबल यूज इस्तेमाल होते हैं, विच आर यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि स्टूडेंट्स क्या है, ऐसे वर्ड, ऐसे सिंबल जो क्या है कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते वक्त इस्तेमाल होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पर वर्ड है स्टूडेंट्स, वर्ड से मुराद क्या है, वर्ड से मुराद क्या है कि हमारे पास जितने भी न्यूमेरिक होते हैं, जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या कहलाते हैं, वर्ड ही कहलाते हैं। तो अगर आप आगे हमारे पास क्या होता है, सिंबल्स, व्हाट इज सिंबल स्टूडेंट, सिंबल क्या होते हैं। ठीक है, सिंबल बेसिकली हम किसको बोलते हैं, सिंबल्स स्टूडेंट्स हम ऐसे करेक्टर्स को बोलते हैं जो क्या होते हैं, जो हमारे पास एक सिंबल्स की शक्ल में होते हैं। लाइक स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, डॉलर साइन, ये वाला क्या है, डॉलर साइन है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, ये हैश साइन है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आता है, एट राइट साइन वगैरह, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमारे पास सारे के सारे स्टूडेंट्स सिंबल ही हैं। ठीक है, ऐसे सिंबल्स, ऐसे वर्ड जो क्या है कि हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक माय उस्तादी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।